सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। खबर लखनऊ से। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बच्चों को स्टेशनरी कपड़े के बैग बांट कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर इठलिया सरोजनी नगर लखनऊ में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने पर्यावरण रक्षा एक कपड़े के बने हुए थैले बच्चों को स्टेशनरी से भेंट किए। कोई भी बच्चा पॉलीथीन या हाथ में किताब कापी लेकर स्कूल न आए, इसके लिए विधायक जी ने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए झोले वितरित कराए। झोले और स्टेशनरी टाफी से भरा झोला पाकर बच्चे बहुत ही खुश हुए। शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रीना त्रिपाठी ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के बारे में बताया तथा यह भी संदेश अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी बताने को कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक बार उपयोग करने के पश्चात कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती है, उसे जानवर खाते हैं या फिर वह नाले या नदियों में गंदगी फैलाती है। प्लास्टिक बहुत वर्षों तक खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, इसलिए हमें इसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यह हमारी धरती को बेकार करती है, बंजर बनाती है। बेसिक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और कपड़े के थैली का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देने के लिए प्रधान शिक्षिका प्रधान अध्यापिका रसूलपुर इठुलिया अर्चना यादव ने अपनी कापी किताबें कपड़े के थैले में लाने को कहा तथा बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को भी कपड़े के थैले इस्तेमाल करने को कहें, ऐसा संदेश दिया। प्रधान अध्यापिका ने सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का धन्यवाद किया। वहीं वरिष्ठ रिटायर शिक्षिका उषा त्रिपाठी, नेहा सिंह और आनंद जोशी सहित पूरी टीम राजेश्वर का तथा रीना त्रिपाठी, वंदना पांडे, दीपमाला का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट रीना त्रिपाठी। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।